हम कहें इस जगत में तीर्थंकरों से बड़ा कोई भी साइंटिस्ट आज तक नहीं हुआ, जिन्होंने दुनिया के हर एक पहलू को देखा, संसार की हर एक व्यवस्था को समझा, और समझा ही नहीं उसकी जड़ तक गए, उसके अंतरंग कारण को जाना, और यह भी जाना कि किन कारणों से यह संसार में इस तरह का यह सुख दुख चल रहा है और किन कारणों से यह सुख दुख की यह जो अवधारणा है यह जीव के अंदर बदलेगी, परिवर्तित होगी। उन्होंने कोई भी बात वह नहीं बताई जो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में आ रही हो। उन्होंने हर एक बात का इतना अधिक वैज्ञानिक विश्लेषण किया कि हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने किया। तीर्थंकरों का हमेशा अपने सर्वज्ञ रूप जो ज्ञान है उसके माध्यम से उनका बखान हुआ, और उसी के कारण से उन्होंने जिस किसी भी पदार्थ का स्वरूप बताया वह बारीकी से बताया। हम लोग हर चीज को जानना चाहते हैं ऊपर ऊपर से, मोटे मोटे तरीके से, क्योंकि हम सब मोटी बुद्धि वाले लोग हैं, और भगवान हर चीज बताते हैं बहुत बारीक तरीके से। वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, पैनी बुद्धि वाले हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, उन्हें हर पदार्थ बहुत सूक्ष्मता से दिखाई दे रहा है, जानने में आ रहा है। अब कैसे करें, देने वाला हर तत्व को बड़े स्पष्टीकरण के साथ में सूक्ष्मता से बता रहा है, लेकिन हमारी मोटी बुद्धि उस सूक्ष्मता को पकड़ती नहीं, ऊपर ऊपर की चीजें पकड़ती है, मनोरंजन की चीजें तो पकड़ती है, अपने इंद्रिय के विषयों में आनंद आए ऐसी बातें तो पकड़ती है, लेकिन जो अपने संस्कार पड़े हैं वो बदलें, जो अपने अंदर दुख की जड़ पड़ी है वो बदले, जो दुख का मूल कारण है वह टूटे, इस तरह की बात हमारे भीतर घुसती नहीं है। ये एक बड़ी समस्या रही, फिर भी उसी समस्या के बीच में यह कार्य निरंतर चलता रहता है। कौन सा? समझने का और समझाने का। जब यह कार्य तीर्थंकरों ने नहीं छोड़ा समझने और समझाने का, तो हम भला क्यों छोड़ें? जो समझेंगे वो समझेंगे, जो नहीं समझेंगे वो भी कभी ना कभी समझेंगे, लेकिन ये कार्य तो समझने और समझाने का निरंतर चलता ही रहना चाहिए। तीर्थंकर हमेशा ये कार्य करते रहे। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जितना भी उनका जीवन रहता है, उनका सिर्फ एक ही ध्येय रहता है, हर जगह दिन में एक एक बार नहीं तीन तीन बार समझने और समझाने का। आप लोग तो फिर भी केवल एक ही बार समझने आते हो, हम केवल एक ही बार दिन में समझा रहे हैं, तीर्थंकर तो तीन तीन बार दिन में समझाते हैं। और यह समझने और समझाने का उपक्रम जब निरंतर चलता है, तब कहीं ना कहीं जीव के अंदर कोई बात कभी ना कभी समा जाती है, और उसी का परिणाम निकलता है कि वह कभी ना कभी अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। आप देख रहे हैं ये परिवर्तन जरूरी नहीं एक ही जन्म में हो जाए, जन्म जन्मांतरों तक चलते रहते हैं इनके संस्कार, और ये किसी भी जन्म में ये परिवर्तन हो सकते हैं। यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया चल रही है यह बता रही है कि जब परिवर्तन होना शुरू होता है तो उसके बावजूद भी बहुत दिनों तक, बहुत बार तक वह संस्कार अर्जित करते करते कई जन्मों तक वह परिवर्तन अपने जब चरम पर पहुंचता है, तब जाकर को व्यक्ति को अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चरम लक्ष्य मतलब अंतिम लक्ष्य।